निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर। इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। हम आज के 6 महीने पहले से इस एनजीओ के अंदर जुड़े थे, पार्लर का कोर्स कर रहे थे, 1500 रुपये हमने जमा किए थे। हम फोन पे फ़ोन करते गए, ना हमारा सामान मिला ना कुछ मिला। जब भी फ़ोन करते हैं या तो सर मीटिंग में होते हैं या हमारा कॉल नहीं उठाते या स्विच ऑफ कर देते हैं फ़ोन को। तो हम सर से ये पूछना चाहते हैं कि आप एक बार हमसे आके मिलो तो सही, पर वो ना मिलते हैं ना कुछ कहते हैं। आखिर बात क्या है? हम यहाँ पे आज सब लोग इसीलिए इकट्ठा हुए कि उनके ऊपर धोखाधड़ी और मुकदमे का यही केस करना चाहते हैं हम कि धोखाधड़ी, धोखे से हम सबसे पैसे लिए और धोखे से लेने के बाद अभी तक ना कोई मैडम फ़ोन उठा रही है ना सर फ़ोन उठा रहे हैं, कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा। आखिर क्यों? हमने भी तो हमारे पैसे दिए ना, एक बार हमारे सामने आके बात कीजिए वो, पर हमारे सामने अभी तक आ ही नहीं रहे। पहले तो बीच में बहुत बार मैडम भी आती थी, सर भी आते थे, काफ़ी कुछ कह के गए, उसके बाद आना ही बंद कर दिया उन्होंने, फ़ोन भी स्विच ऑफ किया। महिला बाल विकास के नाम से संस्था चालू करी थी। कितनी महिलाओं ने पैसे दिए? और ये उन्होंने ही बटे 80 महिलाओं ने पैसे दिए, कम से कम नीनी करके भी इन संस्था के अंदर 80 महिला जुड़ी थी, तो 80 महिला के पैसे मायने रखते हैं। आप कौन से थाने में हो? आज हम रामगंज थाने में आए हैं सबके सब, उन दो मैडम और उन सर के खिलाफ यही मुकदमा, धोखाधड़ी का मुकदमा ही करने आए। आपका नाम बता? मेरा नाम अनवरी बानो, मैं हरिओम कॉलोनी में रहती हूँ। उन एक मैडम है जो सुभाष नगर रहते हैं, रेनू मैडम, और एक रंजना मैडम है जो गुलाबबाड़ी में रहती है। उन्होंने हमें बोला है कि हमारे ये ट्रस्ट महिला भारत अभियान बाल विकास योजना का जो योजना निकली है कि आपको ये सेंटर खोलना है, 2 महीने का कोर्स है, और ये सिलाई सीखने वालों को सिलाई मशीन दी जाएगी और पार्लर सीखने वालों को पार्लर का सामान, ये किट दिया जाएगा और सर्टिफिकेट मिलेगा। तो 2 महीने की जगह आज 6 महीने हो गए हैं। उन्होंने बैच पे बैच खोलते गए और पैसे लेते गए और अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। कितनी महिलाएं? टोटल फर्स्ट बैच में 30 महिलाएं हैं जो सिलाई वाली है, फिर सेकंड बैच भी सिलाई का है उसके अंदर 19 महिलाएं हैं, थर्ड बैच है वो भी उनका है उसमें भी 19 महिलाएं हैं, और एक फोर्थ बैच है पार्लर वालों का उसके अंदर 19 औरतें हैं। लगभग 80 औरतें हैं। कितने रुपए ले लिए आपको? लगभग 80,000 रुपए हैं उनके पास। धोखाधड़ी हुई है? कौन सी महिला? वो तो एक तो है रेनू मैडम और एक है रंजना मैडम। रेनू हेड ऑफिस तो जयपुर है, उनके जो बड़े हेड है वो है सर, उनका हेड ऑफिस जयपुर है, तो अमजद खान नाम है सर का, अमजद खान नाम है। आए हैं? हाँ, उनको मैं 1-1.5 महीने से फोन कर रही हूँ, मतलब 1-1.5 महीने क्या लगातार, आज 6 महीने हो गए फोन कर रही हूँ कि सर वो ये जो दूसरी लड़ी से हैं ये भी फोन कर रही हैं, इनके भी अभी तक फोन अटेंड नहीं कर रहे। फोन अटेंड करते हैं बस यही बोलते हैं कि मैडम मैं काम मना कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं पैसा दे दूंगा, मशीन नहीं दूंगा। दर्ज करेंगे उनके लिए? करेंगे, अब इतना टाइम हो गया, बस यही तो बोल रहे हैं कि हाँ देंगे देंगे, अभी तक देंगे। नाम बताएं? ज्योति सोनी।